शाह अडानी के हाथों में चला गया है भारतीय रेलवे। क्या अडानी ने रेलवे टिकट के दाम बढ़ा दिए हैं? क्या भारतीय रेलवे का नाम अब अडानी रेलवे हो गया है? क्या है अडानी रेलवे वाले वायरल टिकट की सच्चाई? कोरोना से प्रभावित साल 2020 में भारत के 10 सबसे अमीर लोगों में दूसरे नंबर पर गौतम अडानी का नाम रहा। इतना ही नहीं, अडानी समूह ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 74% हिस्सेदारी भी खरीद ली। अडानी ग्रुप को पहले ही देश में पीपीपी मॉडल के तहत 6 एयरपोर्ट का अधिकार मिल चुका है। और अब एक खबर बेहद तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारतीय रेलवे अब अडानी के हाथों में आ चुका है। इसी के साथ एक रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट भी वायरल हो रहा है। आखिर सच्चाई क्या है? आज हम इसका वायरल टेस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अक्सर केंद्र सरकार पर विपक्ष की ओर से सरकारी निकायों के निजीकरण के आरोप लगाए जाते रहे हैं और किसानों का मौजूदा आंदोलन भी कृषि के निगमीकरण यानी कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2-3-4 बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और अब अडानी और भारतीय रेलवे की वायरल खबर की तरफ बढ़ते हैं। इस समय जो रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट वायरल हो रहा है, उस पर अडानी रेलवे लिखा हुआ है और इस टिकट पर एक लाइन भी लिखी है, रेलवे अब हमारी निजी संपत्ति है। ये प्लेटफॉर्म टिकट पुणे जंक्शन का बताया गया है, जिसमें तिथि, समय, टिकट नंबर और मूल्य 50 रुपए जैसी जानकारी भी दी गई है। सोशल मीडिया पर यूजर्स इस टिकट की तस्वीर को शेयर करते हुए रेलवे को अडानी ग्रुप को बेचने के लिए सरकार की आलोचना भी कर रहे हैं। कई लोगों ने कमेंट भी किए हैं कि अडानी ग्रुप ने प्लेटफॉर्म टिकट के दाम 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिए। हमने भी ये तस्वीर देखी तो इसकी पड़ताल शुरू कर दी। आखिर हकीकत क्या है? क्या वाकई में ऐसा है? तस्वीर को रिवर्स सर्चिंग करने पर हमने पाया कि कई यूजर्स ने अगस्त में मूल तस्वीर को पोस्ट किया था। इनमें से एक पत्रकार प्रशांत कनौजिया भी हैं, जिन्होंने प्लेटफॉर्म टिकट के दाम 5 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए करने के लिए सरकार की आलोचना की थी। कनौजिया के ट्वीट के जवाब में भारतीय रेलवे के प्रवक्ता ने 18 अगस्त को स्पष्टीकरण दिया कि पुणे रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट के दाम कोरोना वायरस के खतरे के चलते भीड़ को कम रखने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के मकसद से बढ़ाए गए। पुणे जंक्शन द्वारा प्लेटफॉर्म टिकट का मूल्य 50 रुपए रखने का उद्देश्य अनावश्यक रूप से स्टेशन पर आने वालों पर रोक लगाना है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की दरों को कोरोना महामारी के शुरुआती दिनों से ही इसी तरह नियंत्रित करता आया है। उस वक्त रेलवे बोर्ड के सीईओ वीके यादव ने भी कहा था कि डिविजनल रेलवे प्रबंधकों को स्टेशनों पर भीड़ कम रखने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि बढ़े हुए दामों की महामारी के बाद फिर से समीक्षा की जाएगी। इसके बाद हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए पुणे रेलवे डिवीजन के PRO मनोज झावर से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि पुणे रेलवे स्टेशन पर अब भी प्लेटफॉर्म टिकट के दाम 50 रुपए हैं और ये टिकट स्पेशल केसों में उन्हें जारी किए जाते हैं जिनके साथ बुजुर्ग या दिव्यांग यात्री होते हैं। तो इस तरह से वायरल टेस्ट में ये साबित हो गया कि टिकट को छेड़छाड़ करके फर्जी तैयार किया गया है, जबकि असली तस्वीर में अडानी रेलवे या रेलवे के ग्रुप की निजी संपत्ति होने जैसी कोई बात नहीं लिखी है। हालांकि ये सच है कि भारतीय रेलवे ने COVID-19 महामारी के बीच
रेलवे स्टेशनों पर भीड़ कम रखने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ाए हैं। इस तरह वायरल टेस्ट में ये खबर फेल हुई।